और इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर महाराजा यशवंत राव अस्पताल MBI हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से कुछ मरीजों की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। बताया ये जा रहा है कि अस्पताल में 15 मिनट तक ऑक्सीजन की लाइन बंद रही और इसकी वजह से 6 से ज्यादा मरीजों की हालत खराब हो गई है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स इंदौर से मेरे सहयोगी कन्हैया दे रहे हैं। कन्हैया, कितने लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, कितनी देर तक ये ऑक्सीजन लाइन बंद रही और अस्पताल प्रबंधन इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर क्या कह रहा है? पूर्णिमा, आपको बता दें कि MBI अस्पताल में इस तरीके की घटना पहले भी सामने आ चुकी है, जिसमें ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन पाइपलाइन में किसी और गैस का इस्तेमाल कर दिया था, जिसमें जिसके बाद भी MBI अस्पताल का अगर प्रबंधन की बात करें या अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह यहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बंद कर दी गई थी, लगभग 15 मिनट तक बंद रही थी पाइपलाइन, जिसमें कई ऐसे जो शिशु होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनसे दिया जा रहा था। अभी ये सूचना आ रही है कि आधा दर्जन से अधिक जो महिलाएं हैं और बच्चे उसमें जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले पे अभी तक चुप्पी साधे हुए है। अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो प्रबंधन है, जिनकी निगरानी में ये अस्पताल है, वो इस समय अपना फोन ऑफ कर चुके हैं और किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इस समय अनुमति नहीं दी है। जो प्राइवेट जो बाउंसर्स हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो अस्पताल में लगा दिए गए हैं। लेकिन इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं पूरा मैं आपको फिर से दोहराने को कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं किसी की मौत हुई है इस हादसे के बाद, इस लापरवाही के बाद? बिल्कुल, इस पूर्णिमा बता दें कि इस हादसे में अभी जो सूचना आ रही है 4 से अधिक बच्चों की मौत हुई है, जिसकी जो पुष्टि है वो अधिकारी अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है वो लगातार मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहा है और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो सुबह 15 मिनट के लिए लगभग बंद हो चुकी थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 से अधिक बच्चे हैं और कुछ महिलाएं हैं। बिल्कुल, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो पिछले साल का यह हादसा, एनेस्थीसिया पास किया गया था ऑक्सीजन लाइन में, जहां पर ऑक्सीजन की जगह एनेस्थीसिया की सप्लाई कर दी गई थी और उस वक्त भी ये बड़ा हादसा ऐसा कुछ देखने को मिला था, लेकिन अभी क्या पुलिस पहुंची है कन्हैया कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए? पूर्णिमा, यहाँ पर पुलिस का बल भी मौजूद है और यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और किसी तरह से भी मीडिया कर्मी को रोका जा सके और अंदर की जो वास्तविक स्थिति है वो मीडिया को ना पता चले, प्रबंधन इस कोशिश में यहाँ पर लगा है। और जो अभी अस्पताल का प्रबंधन है वो किसी भी तरह से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया पूरी जानकारी देने के लिए।